पर देख सकते हैं छाछ बन रही है ये इस मोटर में। तो गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम, जय माता जी। तो आज से श्रावण मास शुरू हो गया है, तो आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ आप सबकी सभी मनोकामना पूरी करे और आप सबको खुश रखे। तो चलिए दोस्तों, अभी सास बन रही है तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी चाय भी बन गई है तो चाय भी पी लेते हैं। तो पहले तो आपको दिखा देता हूँ सास बन रही है वो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं छाछ बन रही है ये इस मोटर में। अब हम इस मोटर से ही छाछ बनाते हैं क्योंकि। तो चलिए दोस्तों, चाय बन गई है तो चाय पी लेते हैं। तो आप भी आ जाए चाय पीने। सास बन ली तो दोस्तों सास भी बन गई और उसमें से मक्खन भी निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले किससे बनाते थे वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हम इनसे पहले सास बनाते थे, तो ये 5-6 साल पहले इनसे बनाते थे। अभी भी बनाते हैं पर जब लाइट नहीं होती है हमारे यहाँ तो इनसे बनाते हैं हम सास। और इसकी बनाई हुई सास भी बहुत ही मीठी लगती है, इसमें बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, 1 घंटा लग जाता है सास बनने में। तो इसकी सास भी बहुत मीठी लगती है। दोस्तों आज से भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास शुरू हो गया है, तो आप सबको खूब खूब बधाइयाँ। आप सबको भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सबको खुश रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ से। श्रावण मास शुरू हो गया है तो आपको मैं दिखाऊंगा, दर्शन भी करवाऊंगा भोलेनाथ का, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, तो वहाँ जाकर मैं आपको टाइम मिलेगा तो आपको दर्शन भी करवा दूंगा मैं भोलेनाथ का। तो दोस्तों अभी मुझे जाना है छोली लेने के लिए, तो अभी तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा। तो अभी भैया गाय और बछड़ियों को जुआर डाल रहे हैं सूखी, तो उस तरफ भैया डाल रहे हैं सूखी जुआर। ये हमारी सबसे बड़ी बछड़ी है ये। ये बहुत ही प्यारी प्यारी बछड़िया है और ये है बफेलो पाडी और ये बछड़ी छूने ही नहीं देती, पीछे चली जाती है। तो देखो दोस्तों ऐसे करती है, ये छूने भी नहीं देती है। तो ये वो पहली दिखाई बड़ी और अभी लास्ट में दिखाई वो इस गाय की है बछड़ी। तो अब ये दूध नहीं देती पिछले 3-4 सालों से।
तो ये मछली डर गई अपने फोन में देखकर, अपना फेस देखकर डर गई। तो आज दोस्तों तिल बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, फूल भी है बहुत ज़्यादा आज। तो चलिए दोस्तों यहाँ से दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ही गीला है तो अंदर नहीं जाऊँगा मैं, आपको यहीं से दिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा करके। देखिए आज बहुत सारे फूल दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद। इस फोन में तो अच्छे बहुत नहीं दिख रहे हैं, पर तो आप देखिए बहुत सारे फूल दिख रहे हैं यहाँ से। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए अच्छे। तो चलिए दोस्तों, तो आज आसमान साफ, तो आसमान खुल गया है आज और साफ है, एक भी बादल नहीं दिख रहा। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखिए नीला आसमान हो गया है आज। तो चलिए दोस्तों अब मुझे जाना है छोली लेने, तो सॉरी लेने के बाद मिलता हूँ आपसे। अब तब तक आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। खेत में तो अभी शाम के 7:30 बज गए हैं, तो मैं सनसेट देखने आया था, क्योंकि मुझे सनसेट होता है तो बहुत मज़ा आता है देखने में। आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपने सनसेट का वीडियो देख लिया, तो वो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों अब घर वापस जाते हैं। तो दोस्तों आज बहुत सारा काम था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो शूट करने आ गया, क्योंकि सनसेट हो रहा था तो मैंने सोचा उसका व्लॉग बना लेते हैं। यहाँ पर गाय और बछड़िया है, तो अभी इसको सूखा चारा डाल देंगे अभी। वहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे, इसलिए मैं खेत में वापस आ गया वीडियो शूट करने के लिए। आपसे मेरी एक विनती है कि आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे, सिर्फ 1.5 और 2 मिनट ही देख रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिए प्लीज़। तो आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, तो वो मैं सुधार करूँ उसमें। और थोड़ी मेरी हिंदी भी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वो तो मुझे भी पता है, तो वो धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी हिंदी भी मेरी, तो वो आप मैनेज थोड़ा कर लेना। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप प्रॉब्लम मुझे बताएं, क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, तो उसको मैं थोड़ा सुधार करूँ उसमें भी।
तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। कल न्यू व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।